हाय गाइस, इनको तो आप जानते ही होंगे। मैं इनके नाम की नहीं, इनके काम की बात कर रहा हूँ। ये हैं डांकिया बाबू। जी हाँ, वो बाबू जिनका इंतज़ार किसी समय एक फरिश्ते की तरह किया जाता था। पलकें बिछाए, आस लगाए, जब हम अपनों के संदेशों का इंतज़ार किया करते थे। ठीक उसी प्रकार एक छोटी नन्ही सी परी डांकिया बाबू से अपनी चिट्ठी की मांग करती है। यह उस लड़की के सपनों की चिट्ठी है। आइए जानते हैं यह लड़की किस प्रकार डांकिया बाबू से प्रार्थना करती है। लेकिन कहानी पर चलने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कहानी पर चलते हैं। यह कहानी एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है ओह मिस्टर पोस्टमैन, अरे डांकिया बाबू। नन्नी सी बच्ची डांकिया बाबू से कहती है ब्रिंग मी ए लेटर पोस्टमैन। अरे डांकिया बाबू, मेरे लिए एक पत्र ला कर दीजिए, मेरे लिए एक चिट्ठी ला कर दीजिए। ब्रिंग मी ए लेटर टू, मुझे एक पत्र ला कर दीजिए। टूमोरो एट द गार्डन गेट आई विल वेट फॉर यू, कल बगीचे के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल बगीचे के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ब्रिंग वन फ्रॉम द फेरीज, मुझे एक परियों के देश में रहने वाली परी की चिट्ठी लाकर दीजिए, उसका पत्र लाकर दीजिए। हु सेज सी सेल कम टू टी, जिसमें परी ने कहा हो मुझे परियों की एक ऐसी चिट्ठी लाकर दो डांकिया बाबू, जिसमें परी ने मेरे लिए कहा हो सी सेल कम टू टी। वह शाम को चाय की पार्टी पर आएगी, देन आई विल पुट ऑन माई पार्टी फ्रॉक, तब मैं अपनी पार्टी में पहनी जाने वाली सुंदर दिखने वाली फ्रॉक पहनूंगी। हाउ लवली दैट विल बी, वह कितनी सुंदर होगी। एंड प्लीज ओ मिस्टर पोस्टमैन, इफ फेरीज यू नो नन, राइट मी ए लेटर फ्रॉम योर सेल्फ एंड ब्रिंग इट जस्ट फॉर फन। यदि कहीं से भी चिट्ठी ना आने की संभावना जब उस बिटिया को लग रही है, जब उस छोटी सी बच्ची को लग रही है, तो वह पोस्टमैन को ही विवश करती है और कहती है इफ फेरीज यू नो नन, यदि तुम किसी परी को नहीं जानते हो, राइट मी ए लेटर फ्रॉम योर सेल्फ, तो तुम स्वयं ही एक पत्र लिख दो। एंड ब्रिंग इट जस्ट फॉर फन, और मुझे ऐसी लाकर दे दो जैसे कि केवल हंसी मजाक में ही आप मुझे उस पत्र को दे रहे हो, लेकिन मुझे कहीं से भी एक चिट्ठी पत्र ला कर दे दो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करो, और कमेंट करके ये अवश्य बताओ कि वीडियो के विषय में तुम क्या सोचते हो, क्या कुछ और बेहतर चाहते हो जिससे कि आपकी शिक्षा को मनोरंजनदायक बनाया जा सके। और यदि कविता को एक्सरसाइज के आधार पर समझना चाहते हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग वर्ड्स को समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने ही चैनल जो यूट्यूब पर ही है, तन्नू पापा चेके। वहाँ इस कविता की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होगी, जिसे विस्तार से समझाया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी पोइम, उसके वर्ड मीनिंग्स, उसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बेस्ड ऑन जो कुछ भी हम स्टडी कर सकते हैं अपनी कविता को, वो सभी हमें तन्नू पापा जेके इस चैनल पर उपलब्ध है। ठीक यही वीडियो तुमको वहां मिलेगी कंप्लीट फॉर्म में। टिल देन, सी यू।